माता जी, कैसे हो आप? मैं आपकी एस्ट्रो आशा आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी मोरपंख के बारे में। मोरपंख देखने में जितना खूबसूरत होता है उतने ही उसके फायदे भी होते हैं। मोरपंख देवी देवताओं को भी बहुत पसंद है। मोरपंख आपके काफी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। जिस घर में मोरपंख होता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे उपाय जिसके करने से आपको होगा फायदा। आपको अगर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपको एक मोर का पंख लेकर आना है, उसे श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उसके मुकुट पर लगा देना है। 40 दिन के बाद आप वहां से उसे वापस लेकर आइए और उसे आप अपने गले या तंजोरी में रखिए, जहां भी आप धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके जो घर में धन की कमी है वो कभी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, कहना नहीं मानता है, तो आपने क्या करना है, उसके कमरे के जो पंखा है उसके ऊपर मोर पंख लगा देने हैं। जब जब उसकी हवा चलेगी तो आपके बच्चे की धीरे धीरे जिद खत्म होती चली जाएगी। अगर आपका बच्चा नवजात बच्चा है, आप चाहते हैं कि उन्हें बुरी नजरों से बचाया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का ताबीज लेना है, उसमें मोर पंख डालकर आप उसके गले में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपका बच्चा बुरी नजर से हमेशा बचा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है, आपको काफी परेशान कर रहा है, तो आपको एक मोर का पंख लेकर आना है। उसको आपने सामने रखकर जौन सा भी ग्रह आपके कुंडली में अशुभ फल दे रहा है उसके मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार। उसके बाद उस पर थोड़ा सा जल का छींटा देकर उसे आपने अपने घर में ही स्थापित कर देना है। आपने उसे ऐसी जगह स्थापित करना है जहां पर वो आपको दिखाई देता रहे। ऐसा करने से भी जो आपकी कुंडली में ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है वो अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार या मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाना है, उनके मस्तिष्क से सिंदूर लेकर आना है और उसका टीका आपने मोर पंख के ऊपर करना है और जो भी आपने का दुश्मन है उसका नाम लेना है। उसके बाद आपने उस मोर पंख को वहीं मंदिर अपने घर के मंदिर में छोड़ देना है। सुबह आपने बिना मुंह धोए ही उसे वहां से उठाकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ऐसे करने से जो भी आपके दुश्मन हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जय माता दी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।